हेलो एवरीवन माय सेल्फ राहुल सिंह फ्रॉम यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी पॉइंटर में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सो लास्ट डे हमने जो लास्ट सेशन में जो हमने क्लास स्टार्ट की थी वो आईपीआर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए थे फिफ्टी एम हमने डिस्कस किए थे नेक्स्ट उसी के रिगार्डिंग हम नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन लेकर आए हैं और हम इसमें फोर सीरीज़ चलाएंगे यानी कि टू हंड्रेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ फॉर यू जी सी नेट एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए हम करा रहे हैं ठीक है तो आज हम नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन हम इसमें कराएंगे जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें जो है ठीक है तो आप जो है लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशनस आपको मिल सकें और प्लीज़ हमारे चैट बॉक्स में कमेंट में कम कमेंट बॉक्स में आप हमें जो है आपको वीडियो कैसी लगी या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं क्या आपको वीडियो कैसी लगी क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए जो भी आप कहना चाहते हैं आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्टी एम की आई पे वीडियो सेकंड uh, वीडियो है ये हमारी आईपीआर पे तो आज नेक्स्ट फिफ्टी क्वेश्चन देखेंगे तो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन द नेचुरल राइट्स थ्योरी कंसीडर्स दैट एवरीवन हैज अ नेचुरल प्रॉपर्टी राइट ऑन हिज आई एम रिपीटिंग अगेन द नेचुरल राइट्स थ्योरी कंसीडर्स दैट एवरीवन हैज़ अ नेचुरल प्रॉपर्टी राइट्स ऑन हिज फर्स्ट इज थ्योरीज सेकेंड इज पर्सनैलिटी थर्ड पर्सनहुड लास्ट वन एक्सपेक्ट वट इज द राइट आंसर राइट आंसर क्या है भाई चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप लोग अगर जिन चीज को देखो आंसर पता है वो चैट बॉक्स में टाइप करें ठीक है तो इसका राइट right आंसर है ए राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है इसका ए थ्योरीज ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टेम्पोरल लिमिटेशन इज एप्लीकेबल टू जो टेम्पोरल लिमिटेशंस होती हैं वो किस पे एप्लीकेबल होती हैं वाइपो ऑप्शन बी आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सी पर्सनालिटी एंड फोर्थ थ्योरीज अब आपको बताना है कि जो टेम्पोरल लिमिटेशंस होती हैं वो किस पे एप्लीकेबल होती हैं वाइपो पे आईपी पे पी पे पर्सनलिटी पर थ्योरीज पे तो इसका राइट right आंसर क्या है भाई राइट आंसर है इसका जो टेम्पोरल लिमिटेशंस होती हैं वो एक्चुअली में एप्लीकेबल होती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ पे ना तो वाइपो पे एप्लीकेबल होती हैं वो ना पर्सनलिटी पे एप्लीकेबल होती हैं और ना ही थ्योरीज पे एप्लीकेबल होती हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 according to mill jms mill according to mill the objective of any policy should be the attainment of the greatest good for according to mill the objective of any policy should be the attainment of the greatest good for the first is theories second पर्सनलिटी अ थर्ड वन ग्रेटेस्ट नंबर अ लास्ट ऑल ऑफ दिस या इसमें सारे हैं थ्योरीज है ग्रेटेस्ट नंबर है या पर्सनलिटीज है क्या है इसका राइट आंसर तो जे एम्स मिलके अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पॉलिसी शुड बी अटेनमेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द दर्स यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है राइट right आंसर इसका होगा सी ठीक है राइट आंसर क्या है इसका सी और इसका क्या था आई ठीक है तो ये तीन क्वेश्चन हो गए आपके तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है आपका द रिवार्ड थ्योरी द रिवार्ड थ्योरी एडवोकेट्स रिवार्डिंग फर्स्ट इज एथिकल सेकेंड इज जनरल एंड थर्ड वन पर्सनल हुड एंड इंडिविजुअल्स राइट आंसर क्या है इसका एथिकल जनरल पर्सनहुड एंड इंडिविजुअल्स देन राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर है इसका डी right इंडिविजुअल्स एंड नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टी इसमें देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन ट्रिप्स एग्रीमेंट जो ट्रिप्स में टी है जो फर्स्ट कैपिटल वर्ड है उसका मीनिंग क्या है किसको इंडिकेट करता है वो टैक्स को टीटी -टी को ट्रेड को या टेक्नोलॉजी को और देखो इसका आंसर सबको पता होगा ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है ट्रेड को भाई सिंपल सा क्वेश्चन है अब ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पेपर में तो आपको हलवा है हाँ ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दो क्वेश्चन जो है आप जो है अब यहाँ से तीस के बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू जी नेट एग्जाम ठीक है और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डब्ल्यू टू डब्ल्यू टी ओ एग्रीमेंट केम इन टू फोर्स ऑन डब्लू टी ओ को बताना है आपको डी बी डब्लू टी ओ जो है कब इनफोर्स में आया ठीक है डब्लू टी ओ एग्रीमेंट कमिंग टू फोर्स इन नाइनटीन नाइन्टी नाइनटीन नाइन्टी फाइव यानी कि टू थाउजेंड और टू थाउजेंड फाइव तो ये कब इनफोर्स में आया ये इनफोर्स में आया आपका नाइन्टीन नाइन्टी फाइव इन फोर्स में कब आया नाइन्टीन नाइन्टी फाइव द पेरिस कन्वेंशन वॉज एडोप्टेड इन

िस कन्वेंशन वॉज एडोप्टेड इन एटीन एटी थ्री नेक्स्ट देखते विच ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग विच ऑफ इज़ नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इसमें से कौन सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के अंडर नहीं आता है ठीक है तो ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 नाइन्टी नाइन पेटेंट एक्ट नाइन्टीन सेवेंटी डिज़ाइन एक्ट टू थाउजेंड एंड कस्टम्स एक्ट नाइनटीन तो देखो ट्रेड मार्क्स भी आता है पेटेंट भी आता है डिज़ाइन भी, भी आता है तो क्या नहीं आता है? इसका राइट आंसर क्या होगा इसका सिंपल कस्ट क्या इसका राइट आंसर क्या है कस्टम क्या नहीं आएगा कस्टम नहीं आएगा ठीक ठीक है जी नहीं आएगा कस्टम नहीं आएगा ठीक है नेक्स्ट चलते हैं इंडिया हैज बीन द नंबर ऑफ बर्न कन्वेंशन सिंस इंडिया जो है ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जो है आपको याद रखना है इसको जो जी, अब जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको बीच में बताता रहूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इंडिया हैज बीन द नंबर ऑफ इंडिया हैज द मेबर ऑफ द बर्न कन्वेंशन सिंस मेंबर कब बनाएं इसका जो है बन कन्वेंशन का ट्वेंटीएथ अप्रैल नाइनटीन फोर्टीन ट्वेंटीएथ अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी एट ट्वेंटीएथ अप्रैल नाइनटीन थर्टी फोर ट्वेंटीएथ अप्रैल नाइनटीन फिफ्टी एट राइट आंसर इज ट्वेंटीएथ अप्रैल नाइनटीन ट्वेंटी एट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यू सी सी वॉट इज द राइट आंसर राइट आंसर क्या है राइट right आंसर क्या है इसमें वॉट इज द मीनिंग ऑफ यू इन यू सी सी यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सल अंडर या नन ऑफ दीज यू वाई क्या है यू फॉर यूनिवर्सल ucc ucc was adopted in geneva switzerland okay 1940 1952, 1952, and 1962 when was it adopted U ucc right answer is 1952. India has become a member of WIPO. India become a member of WIPO. Okay? 1960, 62, 75, 1980. When become the member? Of, of, of WIPO. When become the become a member of WIPO, India. तो इंडिया इसका मेंबर बना 1975 में ठीक है कब बना 1975 में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ऑफ पेटेंट्स पेटेंट एक्ट 1970 सेवेंटी इस ये देखो ये भी क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए कि प्रोटेक्शन जो मिलती है ड्यूरेशन जो पेटेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है कितने इयर्स के लिए होता है इसका राइट आंसर क्या है भाई अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता तो आपको आई नहीं पढ़ना चाहिए ठीक है इसका राइट आंसर क्या है इसका जो है राइट आंसर है इसका ट्वेंटी ईयर्स ठीक है राइट आंसर क्या है इसका ट्वेंटी ईयर्स प्रोटेक्शन ड्यूरी प्रोटेक्शन ड्यूरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एक्ट प्रोटेक्शन ड्यूरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एक्ट टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स थर्टी ईयर्स फिफ्टी ईयर्स क्या राइट आंसर है फटाफट से टाइप करो चैट बॉक्स में जो डिजाइन एक्ट इंडस्ट्री डिजाइन एक्ट है वो दस साल के लिए प्रोवाइड कराया जाता है ठीक है कितने से कितने साल के है? टेन इयर्स के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट आर ट्रिप्स एग्रीमेंट बताएं फीचर्स ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट फीचर्स ऑफ द ट्रिप्स एग्रीमेंट बता अच्छा ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है ट्रिप्स की फुल फॉर्म भी हमें पता रहनी चाहिए ठीक है तो ट्रिप्स की फुल फॉर्म है अब टी से तो आपको पता ही होगा क्या है टी फॉर ट्रेड आर फॉर रिलेटेड आई फॉर इंटेलेक्चुअल पी फॉर प्रॉपर्टी एंड अन... ठीक है एंड एस फॉर राइट्स टी आर आई पी एस ट्रिप्स मतलब ट्रिप्स जो एग्रीमेंट होते हैं उसका फुल फॉर्म है द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ठीक है ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और जो एग्रीमेंट आर कैसे होते हैं स्टैंडर्ड्स होते हैं इन्फोर्समेंट होते हैं डिस्प्यूटेड सेटलमेंट्स होते हैं या ऑल ऑफ दीज है तो इसका राइट right आंसर क्या है वॉट इज द राइट आंसर जल्दी बता जल्दी कमा ऑन फोर्टी का राइट आंसर सारे होंगे स्टैंडर्ड्स भी होते हैं उसमें इन्फोर्समेंट भी होते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट भी होते हैं एंड नेक्स्ट फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर कवर्ड अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट ट्रिप्स क्या क्या कवर करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए ट्रेडमार्कस इंडस्ट्रियल डिजाइन राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्टिंग लेआउट ऑर्गेनाइजेश्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट अब इसमें से आपको बताना है कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत है ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या है तो पहले इसमें चेक कर लेते हैं क्या क्या आता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में टेड मार्क्स भी आता है ना टेड मार्क्स भी आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी आते हैं राइट्स ऑफ परफॉर्मेंस भी आती हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग भी आती है ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी, भी आती है और लेआउट डिज़ाइन भी आती है ठीक है ठीक है यानी कि इसका राइट right आंसर होगा राइट right आंसर क्या होगा इसका इसका राइट right आंसर होगा डी ठीक है इसके मतलब यानी कि इसके सारे आंसर्स ठीक हैं कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट इज कारपोरियल प्रॉपर्टी इज टेंजेबल इनकॉरपोरियल प्रॉपर्टी हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना कॉरपोरियल और इनकॉरपोरियल टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी होती है कॉरपोरियल प्रॉपर्टी यानी कि टेंजेबल प्रॉपर्टी होती है इनटेंजेबल प्रॉपर्टी होती है इनटेंजेबल प्रॉपर्टी टेंजेबल प्रॉपर्टी यानी कि जिस प्रॉपर्टी को हम देख सकते हैं है न और इनकॉर प्रॉपर्टी जिसको हम देख नहीं सकते हैं ठीक है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं जस्ट वी कैन फील ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका जो है तो विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन्स आर करेक्ट तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें दोनों ही ठीक है फर्स्ट भी ठीक है क्योंकि वो सही है टेंजेबल की बात कर रहा है कॉरपोरल प्रॉपर्टीज टेंजेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकॉर्पल प्रॉपर्टी हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता जस्ट हम क्या कर सकते है, उनको कर हैं उनको फील कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या हो गया इसका राइट right आंसर इसका दोनों हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्टी थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब ये कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट देखो इस टाइप का ट्रेंड चल रहा है जो आजकल यू जी सी नेट में क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है uh, आजकल के ट्रेंड में आपसे पूछे जा रहे हैं ठीक है थीके? तो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ए लीगल कॉन्सेप्ट Which refers to a creation of the mind for which exclusive rights are recognized. Intellectual property rights are intangible property. अब आपको बताना इसमें कौन-कौन से statement correct हैं क्या दोनों statement correct हैं क्या एक correct है तो देखो इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लीगल कॉन्सेप्ट होता है ये भी ठीक है विच रेफर्स टू ए क्रिएशन ऑफ द माइंड फॉर विच एक्सक्लूसिव राइट आर रिकग्नाइज राइट इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है भाई हमारे यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टेंजिबल भी होती है इंटेंजिबल होती है तो यानी कि इसका राइट right आंसर क्या हो गया इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी है ना इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट right आंसर हो जाएगा सी ठीक है सी हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कॉपीराइट इज ए बंडल ऑफ राइट्स गिवन बाय द लॉ टू द क्रिएटर्स ऑफ लिटरेसी ड्रामेटिक म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक गुड ये भी ठीक है कॉपी ऑफ वर्क ऑफ दी कंट्रीज मैंशन इन द इंटरनेशनल कॉपी ऑर्डर आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया एज इफ सच वर्कस आर इंडियन वर्क ठीक है तो अब आपको बताना कि इसमें स्टेटमेंट कौन से कौन सा ठीक है इसमें भी देखो कॉपी राइट्स ऑफ जो वर्क होते हैं जो कंट्रीज़ के मैंशन होते हैं इन द इंटरनेशनल कॉपी राइट ऑर्डर आर प्रोटेक्टेड इन इंडिया एज इफ सच वर्कस आर इंडियन वर्क ठीक है जैसे इंडिया के वर्क प्रोटेक्टेड है वैसे ही किसी अदर कंट्री का भी वर्क जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं यानी कि इसका राइट right आंसर हो गया इसका भी राइट right आंसर क्या हो गया इसका भी राइट right आंसर जो है सी हो जाएगा इसका भी ठीक है इसका राइट right आंसर क्या है इसका भी राइट right आंसर जो है सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्टी फाइव कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स ए प्रॉपर्टी दैट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग और वेयर हाउसिंग सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड लोगो सिंबल डिजाइन एंड इमेज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो या अबव विच ऑफ़ द स्टेटमेंट गिवन अब इस आर करेक्ट कौन से स्टेटमेंट जो ऊपर दिए हुए हैं आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें से कौन से कट रहे हैं बोथ वन एंड टू ओनली वन ओनली टू नाइदर वन और टू यानी कि राइट आंसर इसका बताइए क्या है फोर्टी फाइव का देखो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी मीन्स ए प्रॉपर्टी दैट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ऑफ वेयर हाउसिंग दैट इज द करेक्ट आंसर बट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी इंक्लूडेड लोगो सिंपल डिजाइन एंड इमेज This is not the correct answer. Yannick, right answer is this is not the correct statement. correct statement is only one. So right answer is one only one. Consider the following statements. consider the following statements copyright comes into existence as soon as as a work is created and no formality is required to be completed for acquiring copyrights. सेकेंड द टू थाउजेंड फिफ्टीन अमेंडमेंट्स मेक इंडियन कॉपी राइट लॉ कंप्लेन विद द इंटरनेट इट लाइक द डब्लू सी टी एंड डब्ल्यू पी पी टी विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और आर करेक्ट ओनली वन टू एंड बोथ वन एंड टू एंड एंडर वन और नो टू तो देन राइट आंसर क्या है इसका जो है राइट आंसर बताए राइट आंसर क्या है कॉपी राइट कमिंग टू एग्जिस्टेंट ने सुन वर्क जैसे वर्क कंप्लीट होता है वैसे ही उसका हो जाता है बट डब्ल्यू सी टी और डब्ल्यू पी टी नो 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 दिस इज नॉट दाइट करेक्ट ओनली राइट आंसर इसका क्या है राइट right आंसर इसका होगा ओनली वन या ठीक है क्या इसका राइट right आंसर क्या होगा इसका राइट right आंसर इसका होगा ओनली वन वन करेक्ट है इसका ठीक है नेक्स्ट चलते हैं फोर्टी सेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन द इंडियन मचेंटीज मार्क act 1889 was followed by the Trademark act 1940 a trademark is a typically a name word phrase logo symbol or a combination of these elements which of the statement given above are correct only one two and both one and two and neither one one or two and yeah. so what is the right answer right answer is c both one and two इंडियन मर्सेंटीज मार्क्स एक्ट नाइन एटीन एन एन वॉज फॉलो बाई टेड मार्क्स एक्ट नाइनटीन फोर्टी करेक्ट आंसर टिपिकल इंडियन लोगो सिंबल कॉम्बिनेशन ऑफ दी ठीक है तो इसका राइट right आंसर क्या है इसका बोथ वन एंड टू फोर्टी सेवन का आंसर है सी ठीक है तो राइट आंसर इज राइट आंसर क्या है इसका राइट right आंसर है सी नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रू पेटेंट स्टैंड ट्रू पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट कंफर्ड बाई पेटेंट ऑफिस इट इज अ राइट फॉर एन इन्वेंटर टू एक्सप्लॉइट हिज इन्वेंशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ दाइनटीन सेवेंटी ठीक है क्या राइट right आंसर है इसका जो है बताएं दोनों में से पेटेंट इज एक्सक्लूसिव राइट कंफर्ट बाई द पेटेंट ऑफिस आपको पेटेंट राइट कब मिलता है जब पेटेंट ऑफिस उसको ग्रांड कर देती है उसको इट इज़ ए राइट फॉर इन्वेंटर जाहिर सी बात है जो इन्वेंटर होता है जो इन्वेंशन कोई चीज़ इन्वेंटर इन्वेंशन करता है तो उसको राइट right दिया जाता है अब वो क्या कर सकता है टू एक्सप्लोइट हिज इन्वेंशन जाहिर सी बात है अगर भाई मैंने कोई चीज़ इन्वेंट की है तो मैं उसे एक्सप्लोइट कर सकता हूँ आई हैवे राइट टू एक्सप्लॉइड दिज इन्वेंशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पेटेंट एक्ट एंड विद द कंडीशन दैट सब्जेक्ट टू दी प्रोविजन ऑफ द पेटेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नॉट फॉर अ होल टाइम यू हैवे सम्पेसिफिक टाइम यू कैन वॉयलेट एंड यू कैन एक्सप्लॉइट हिज इन्वेंशन बट यू कैन नॉट एक्सप्लोइट आफ्टर द एक्सपायरिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम ओके सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड वन एंड टू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं Uh, consider the following statements as per patent act 1970 literary works includes computer programs table and compilations uh, second patent act 1970 was adopted and come came into force on 20th april 1982 which of the statement given above are correct only one only two both one and two and neither one or two then as per patent act 1970 literary works include computer program table and comp comparisons this is the good and ना first correct हो गया patent act 1970 as adopted come into force on 20th April 1982 अब देखो हम ऊपर पढ़ा था हमने patent कब कब ने हमने जो है लिया था तो right answer क्या है इसका जो है देखो जो patent act है उसमें क्या include नहीं है उसमें जो पेटेंट एक्ट है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है उसमें बता इसमें दोनों ही ये इंक्लूडेड नहीं है ठीक है ना तो इसमें फर्स्ट है और ना ही सेकंड है ठीक है ना फर्स्ट ना सेकंड यानी कि इसका राइट आंसर हो गया डी नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी लास्ट क्वेश्चन है आज का कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू क्लास वन जेड बी ऑफ द पेटेंट एक्ट नाइनटीन ऑफ इंडिया इस क्वेश्चन को आप याद कर लेना कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू क्लॉज वन जेड बी ऑफ द पेटेंट एक्ट एंड सेवेंटी वॉट इज द पेटेंट क्या पेटेंट की डेफिनेशन दे रखी है और एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि वेयर इज इट डिफाइन ठीक है तो पेटेंट शुड बी कैपेबल ऑफ बींग रिप्रेजेंटेटेड ग्राफिकली ठीक है the fundamental principles of patent law is that a patent is granted only for an invention which must have novelty and utility and what is the right answer only one both one and two and only two and neither one or nor two and right answer is 50 ka only two the fundamental principles of patent law is that a patent is granted only for an invention which must have novelty and utility है ना तो इसमें आपको सेक्शन टू वन जेड भी आपको याद कर लेना है अलग से ठीक है तो थैंक यू सो मच आप मुझे सुनने के लिए इतने काफ़ी देर से आप सुन रहे हैं मुझे और थैंक यू सो मच और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा लोग इससे जो है बेनिफिट्स उठा सकें और मुझे भी इनक्रेजमेंट मिलेगा अगर अच्छे से आपके लाइक आएंगे कमेंट आएंगे तो मुझे भी लगेगा कि दिस वीडियो इज़ वेरी यूज़फुल सो uh, so मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको मुझे लगेगा कि आपके लिए कोई बेनिफिट बेनिफिट नहीं कर रही है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँगा ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच टू ऑफ यू